बीते दिन कथित चोणा भी रंजिश के चलते कांग्रेसी वर्कर की हुई कुटमार का मामला तुल फड़ता ही जा रहा है, जिथे पीड़ित परिवार वालों आम आदमी पार्टी के वर्करां दे कुटमार करन दे इल्जाम लगाए गए हैं, उतें ही फिरोजपुर पुलिस से भी कार्रवाई ना करन नूं लैके सवाल उठाए जा रहे हैं। पीड़ित नौजवान का हाल जानने लई अज कांग्रेस पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खहरा और साबका MLA कुलबीर सिंह जीरा पहुंचे। इस मौके गलबात करते जिथे पीड़ित परिवार ने आम आदमी पार्टी के वर्करां वालों कुटमार किए जाने की गल आखी, उते ही उन्हें फिरोजपुर पुलिस ने कई दिन बीत जाने तो बाद भी कोई कार्रवाई ना करने के इल्जाम लगाए। फरीदकोट तो मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। सीना यह बड़ा सीरियस इशू आ लॉ एंड ऑर्डर का कि कसवाणा पिंड आ जीरा सदर पुलिस स्टेशन च, उतों का साडा कांग्रेस पार्टी का एक बहुत गरीब विक्टम, तुसीं सुनी लिया उहदे भरा दी दास्तान, अत गरीब आदमी, उसनों चोणा वाले दिन रिजल्ट वाले दिन उन्होंने बहुत बुरी तरह कुटिया गया, उहदे सिर च इट्टां मारियां, वह हुण वेंटीलेटर ते, द मूवमेंट वेंटीलेटर तो हटाउणगे ही विल डाए, यह नौबत है उस बंदे दी, मेडिकल कंडीशन है। और मैनूं बड़ा अफसोस है कि अज तक देख लो तुसीं 10 दिन हो गए ने रिजल्ट आए नूं, 11वां दिन आ, अज तक किसी नूं अरैसट नहीं किया गया, परचा FIR दर्ज होई हुई है। कुलबीर जीरा जी मेरे नाल XML खड़े ने, इन्होंने लगातार इस गल की पैरवाई करते हैं, लेकिन अफसोस है कि जेडे लोग लॉ एंड ऑर्डर के तंस कसते से दूसरिया सरकारां ते, अगर उन्हां दी सरकार विच भी 10-12 दिन तो आदमी वेंटीलेटर ते पिया वा, परचा दर्ज होया, किसी ने अरैसट नहीं करना, फिर वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस गवर्नमेंट्स एंड दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट। मैं आई हैव स्पोकन टू द SSP मिस्टर नरेश भार्गव, SSP फिरोजपुर नरेंद्र भार्गव, उन्होंने प्रोमिस किया वा कि असी कल्प्रिट्स नूं जल्दी अरैसट करांगे, अगर वो किसी कारण करके अरैसट नहीं करते तो दिस मैटर विल बी टेकन अप इन द पंजाब विधानसभा, क्योंकि असी चाहते हाँ कि यह बदलाखोरी की कार्रवाइया जिहड़ियां पंजाब च खत्म होनिया चाहिए, इहदा अंत होना चाहिए। और असी कांग्रेस के केडर नूं मैं अपील करूँगा कि बिल्कुल घबराउणा नहीं गा, असी तुहाडे हर केडर हर वर्कर दे नाल, साडे सारे जिहड़ी तनजीम आ वो नाल डट के खड़ी है। मैं फरीदकोट अज विशेष तौर पर मेडिकल कॉलेज पहुँचा इकबाल सिंह जो कि दलित श्रेणी नूं बिलोंग करता उहदी हिफाजत करन वास्ते, और असी जे विद इन द नैक्सट 24 आवर्स अरैसट नहीं किया तो आई हैव टू रेज दिस मैटर इन द पंजाब विधानसभा। जिते एक पास भगवंत मान जिक्र करते हैं कि रंजिश नहीं रखनी, किसी ने कोई पार्टीबाजी या कोई रंजिशन काम नहीं करना, पर दूजे पास जो अजिंह घटनावान सामने आदि ने तो कदम ना कदम सवाल जरूर नहीं हो सकता वा कि चीफ मिनिस्टर के लेवल तक यह इन्फॉर्मेशन ना पहुंची हो, पर मैं हुण तुहाडे जरिए कहूँगा कि मीडिया को कि तुसीं इस इन्फॉर्मेशन नूं मुख्यमंत्री जिन्हां कोल होम डिपार्टमेंट है उन्हां तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाओ ताकि गुनाहगारां नूं जिहड़ा हैगा ओह अरैसट किया जा सके। ये गलत गल है, सिर्फ इस करके एक आदमी बेजुबाना वा, गरीब है, उहदे कोल हिम्मत नहीं गई, उहदे कोल पैसे नहीं गए, उहदे कोल साधन नहीं गए कि वह अपनी गल कह सके, इहदा मतलब यह नहीं गा कि जिस नूं मर्जी तुसीं मार के सुट जाओ तो उहनूं मौत दे जिहड़ा खूह दे विच तुसीं धकेल दिओ। यह जिहड़ा इकबाल सिंह जिहड़ी मैं हाल देख आया, मैनूं बड़े अफसोस नाल कहना पै रिहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू रिवाइव, सिर्फ क्योंकि वह वेंटीलेटर पर आ इस करके वो फर्जी साथ चल रहे हैं, तो कल अगर कुछ वो हो जाता वो मौत तो फिर यह परचा 302 छोड़ना तो गुनाहगारा जोड़ा है फड़ना बहुत अत लाजमी है। सर पुलिस अधिकारियों तो हम गल हुई है, तुम्हें दसिया कि निजी तौर पर गल की है कि उन्होंने किस तरह का आश्वासन नहीं, SSP फिरोजपुर ने मैंने यकीन ही दवाया ना कि असी साडी ड्यूटी बनती है, असी जे कल्प्रिट्स ने फड़ने, पर अफसोस इस गल का कि हूँ 11 दिन हो गए रिजल्ट आए, मतलब कि सरकार नवी बने, 11 दिन काफ़ी होंगे ने, अगर 11 दिनों के एक गरीब आदमी की हिफाजत नहीं हो रही जिहड़ा बिल्कुल लाचार है बेबस है तो फिर आप किदा क्लेम करते हैं कि साड़ी ये सरकार एक अलग चल रही है, बस इन्ना ही याद करवाना उन्होंने। गल ये कि जीरा इलाका निवासियों एक आस तो उम्मीद सी कि आम आदमी पार्टी जी कि हो सकता कि पहलियां पार्टियां नालों सुधार लियाओगी, पर साढ़े जदों तो रिजल्ट आए ने उदों तो तुसीं रोज़ MLA की वीडियो वेख रहे हो, कभी मुलाजमान नूं कहिंदा मैं पुट्ठे टंग दूँ, और जो उहदे थले वर्कर धक्का कर रहे हैं जो इकबाल सिंह जी नाल कीता अज तुसीं वेख्या कि वह मौत दे नाल जूझ रहा, और अज 11-12 दिन हो गया उदों की कोई कार्रवाई नहीं की। मैं धन्यवाद करदा खहरा साहब का भी कि यह भी अज इत्थे पहुँचे ने, और जे हुण एक दो दिनों के क्योंकि SSP साहब ने विश्वास दवाया कि असी जिहड़ा है कि उन्हां बंदियां नूं अरैसट करांगे, जे नहीं अरैसट करदे तो असी अगली जिहड़ी कार्रवाई जिवें साडी लीडरशिप कहूगी उस हिसाब नाल जिहड़े कि असी उन्हूं अगे लैके चलांगे। तो माड़ा जिहा ना 3 साल हो गए इन्हां दी पहला हुई सी जी, आ सरपंच साहब नाल आए इन्हां ने राजीनामा सारा कराता है जी, इन्हों ने हूँ इन्हों की पार्टी का बन गया, इन्होंने अक्कर कटती है जो हाँ जी 3 दिन है जी ट्रैक्टर से डेक ला के भजाई फिर रहे जी। रोला की पाया वोटा करके पाया या कोई होर पार्टी बाजी करके हो? बस वोटा का ही उन्होंने माण हो गया जी, साड़ी पार्टी वाला जित गया। अच्छा हाँ जी वो पार्टी है जी झाड़ू वाले।
ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ? ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰ ਚ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਗੱਜ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈ ਦੀ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੋ? ਬਾਇਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਮਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ ਪਾਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੜਾ ਜਾਏ ਫੇਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ, ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਗਾ।